हाँ, मैं अभी जस्ट मुंबई पहुंचा हूँ उस चीज़ से, और वहाँ दाह संस्कार होने के बाद हमारे दादा के साथ जो सुखदेव दत्त के साथ जो गद्दारों ने धोखा देकर जो हत्या की है, सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो पिछली सरकार थी कांग्रेस, उनकी सबसे बड़ी गलतियाँ थी, क्योंकि हम 2 साल से सुरक्षा मांग रहे थे दादा के लिए। हमने हर जगह आवेदन पत्र दिया, कलेक्टर, SDM, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। उसी की चूक के कारण ये सब चीज़ें हुई है। और आज 72 घंटे जो पुलिस ने अल्टीमेटम दिया था, हमने उनको कहा था और उन्होंने हमको विश्वास में लेके बोला था कि 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करके हम दिखाएंगे, लेकिन अभी 10 बजे, आज रात 10 बजे तक गिरफ्तार होते कि नहीं होते वो बाद में देखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो करणी सेना पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेगी, और अगर जयपुर में कुछ करना पड़ा तो यहाँ से महाराष्ट्र से हम हजारों की संख्या में जाकर जयपुर में धरने पर बैठेंगे राजस्थान के टीम के साथ। आपने जो मीरा भाईंदर में जो कार्यकर्ताओं को जो करणी सेना से जुड़े हुए उनके लिए कुछ मीटिंग रखा है, क्या है, क्या प्लान बना रहे थे? हाँ, मैं उसी की चर्चा के लिए भी सबको बुलाया था, हमारे सब कैप्टन और पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, कि हमारे दादा के साथ इस तरह की ये घटना हुई और राजपूत समाज में सबसे बड़ी क्षति हुई है, और राजपूत समाज का सबसे बड़ा योद्धा जो सनातन धर्म को बचाने वाले और सनातन धर्म के लिए लड़ने वाले हमारे दादा थे, और 36 कौम के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे, चाहे कोई भी जाति का हो। अगर उनको कोई भी फ़ोन किया कि हमारे साथ ये तकलीफ़ है और हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमारे सुखदेव दादा हमेशा खड़े रहते थे, और उन्होंने हमें वही सिखाया, और इसीलिए मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट सबकी सहमति से वो रद्द किया है और आगे पोस्टपोन किया। जब भी हमको आगे की डेट मिलेगी ऊपर से राष्ट्रीय कार्य से, हम आगे टूर्नामेंट करेंगे, और इस 17 तारीख को हम टूर्नामेंट की जगह पे बड़ी श्रद्धांजलि सभा इस भाईंदर में आयोजित कर रहे हैं। सभी संगठन मिलकर, सर्व समाज मिलकर, 36 कौम के लोग मिलकर इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजन करेंगे। तो इस श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ मुंबई के आएंगे कि बाहर के लोग भी आएंगे? तो पूरे महाराष्ट्र से भी आएंगे और मुंबई के सब लोग आएंगे। दादा के जाने के बाद सवाल उठ रहा है करणी सेना को आगे लेकर कौन चलेगा? हाँ, ये साफ क्लियर है, आगे करणी सेना की कमान हमारे बाबीसा शिला शेखावत वही संभालेंगे, और उनके नेतृत्व में ही आगे हम काम करेंगे। और हमारे दादा का जो सपना था, मैं हमेशा मेरे भाषण में कहता था कि दादा का जो मिशन और विजन है वो अलग है। मैं बहुत करीब रहा हूँ दादा के साथ, पिछले 8 साल के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने समाज के लिए काम किया है, और मेरे से ज़्यादा मुंबई में शायद उनको कोई नहीं जानता था, और मुझे पता है, और मैं उसी सिद्धांतों पे उनके मकसद को हम आके लेके जाएंगे और समाज को जागरूक करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, 36 कौम के लिए काम करेंगे। सर, राजपूत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उनके साथ है, कि उनके पीठ पर हंगे धोखा है, उनके साथ रहने वाले उनको धोखा दिया है? ये अभी जाँच का विषय है, लेकिन कुछ गद्दार है उसमें, वो जल्दी उजागर हो जाएंगे, और भी कुछ लोग हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा सरगना कोई दूसरा है जो बैठकर ये सब काम करवाया, क्योंकि राजपूत समाज को जिस तरीके से सुखदेव दादा ने 10 साल में जगाया है, युवाओं को एक दूसरे को मिलाया है, वो किसी न किसी को खटक रहा था, उसमें बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट का भी हाथ हो सकता है, और वो होगा, जाँच में सब सामने आ जाएगा। जहाँ तक मैं अभी 2-3 दिन वहीं था, तो कुछ हमको जानकारी मिली है कि इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो जल्दी उजागर हो जाएंगे। मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? अभी दादा के चले जाने के बाद सभी अब संगठन का क्या होगा, तो मैं बता देना चाह रही हूँ कि संगठन उनकी पत्नी शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार साहब के नेतृत्व में इसी तरह यथावत रहेगी। और जो सुखदेव सिंह जी का सपना था कि मैं नहीं रहूँगा, उसके बाद भी मैं हजारों की संख्या में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बना के जा रहा हूँ, तो हम सब बिल्कुल एक होकर एक साथ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बन के मुंबई में और जो 22 राज्यों में उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना संगठन खड़ा किया था, वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बन के हम चलाएंगे। और तीसरा बिंदु ये है कि मातृशक्ति महिलाओं की बात आती है, तो ये संगठन जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, इसका प्रथम एजेंडा ही, प्रथम बिंदु ही महिलाओं के लिए था, मातृशक्ति महिलाओं के सुरक्षा के लिए था, इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं गोगामेड़ी जी की आत्मा के लिए शांति के लिए अपील करता हूँ, और सभी से कहना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ राजपूतों को नहीं जगाया, 36 कौम को जगाया, 36 कौम के लिए काम किया है। हर उस व्यक्ति का विरोध किया है जिन्होंने हमारे सनातन धर्म का प्रति उन्होंने उंगली उठाई है या हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है। आज कन्हैयालाल का कांड ले लो,
क्षत्रिय बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ उठाई, उनके लिए सबसे प्रथम आवाज़ उठाई। और मैं कहूँगा सबसे सेंसिटिव जो मुद्दे होते, जिस मुद्दों को लोग कहने के लिए डरते, आगे आने के लिए डरते, उसमें सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ उठती, मैं आवाज़ ही नहीं कहूँगा, मैं दहाड़ उठती है, तो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की उठती थी। आज उनकी पीठ पे खंजर घोपा गया है, लोग कहते हैं उनके घर में घुस के उनको मारा गया है, घर में घुस के कायरतापूर्वक उनको मारा गया है। अब देखो उस वक्त उनकी हत्या की है जहाँ, जिस वक्त ना तो उनके पास कोई गनमैन था, ना उनके पास कोई हथियार थे, सारे इलेक्शन की वजह से सारे वो हथियार जो थे वो जमा हुए थे, और ना उनके कोई बॉडीगार्ड थे। अंदरूनी लोगों का कहना है, हमारा भी मानना है कि इसमें राजनीतिक हाथ है, कुछ आपसी लोगों का हाथ है, क्योंकि कहते हैं ना वो एक ऐसा शेर था कि उनको कोई बाहर का व्यक्ति हाथ भी नहीं लगा सकता था, ये तो कोई अंदरूनी व्यक्ति था जिन्होंने उनको धोखे से मारा है। जल्दी इसकी पुष्टि होगी और करनी सेना इसी प्रकार से आगे बिल्कुल चलती रहेगी। उनका सपना था कि मैं रहूं ना रहूं, करनी सेना बिल्कुल रहेगी, इसी प्रकार से चलती रहेगी। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ज़रूर गए हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आज भी करनी सेना में मौजूद है, और जहां कहीं भी कुछ भी गलत होगा तो वहां करनी सेना इसी प्रकार से उग्र आंदोलन करेगी, और करनी सेना का साथ और समर्थन देने के लिए छत्तीसगढ़ कौम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसकी सरकार थी और जिस हिसाब से कांग्रेस का रवैया आज 75 साल से आप देख रहे हो, तो जो भारत के शेर है उनको सबको दबाने की और मारने की उनकी हमेशा की कुछ ना कुछ साजिश रही है। तो मैं मानता हूँ कि सुखदेव दादा एक शेर ऐसे थे जो सनातन धर्म गौ रक्षा को, और जैसा आराध्य जी ने बोला कि महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहते थे, तो ऐसा शेर ऐसी सरकार को हमेशा आँख में चुभता है। तो इसमें बहुत सारी बात है, जैसे जीवन शाह ने बोला है कि कुछ लोग हैं अपने हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ राजनीतिक के हैं। तो ये विषय जो हुआ है ये पूरे भारतवर्ष में, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि विश्व में जहाँ पर राजपूत लोग हैं और दूसरे भी लोग, जो मैंने एक दो जन से बात की वहाँ पर उदयपुर में, तो ब्राह्मण समाज भी साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हत्या हुई है इसका संक्षेप में पूरा इसका हल निकालेंगे, और वहाँ पर अभी भाजपा की सरकार भी बन रही है। तो मुझे ये लगता है, देखिए मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर न्याय अगर होना है तो भाजपा सरकार में होगा, क्योंकि जो सरकार वहाँ पर थी उसका ये कुछ हम देख रहे न्यूज़ वगैरह में नाम आ रहा है, तो ये बहुत सारी गलत चीज़ है। और आप शायद अभी देख रहे हो कि यहाँ पर कितने लोग सुखदेव दादा बन के बैठे हैं, और आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में कितने सुखदेव दादा है, वो गए नहीं है, यहीं के यहीं है। और ये दुखद घटना के ऊपर मैं आने वाली सरकार से बोलता हूँ, एक अपील करता हूँ कि भाई वो चीज़ का जो आरोपी है उनसे कड़ी से कड़ी सजा दे, और इसके पीछे जो सरगना है वो वहाँ तलक पहुँच के उनको न्याय दे दादा को हमारे।